तो गाइज अगर आपको भी इस टाइप के लोगोस बनाने, जो कि गाइज आज के टाइम पे काफी ज्यादा पॉपुलर चल रहे हैं, तो ये लोगो बनाने के लिए अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है ना, तो आप एकदम सही जगह पर पहुंचे हो, क्योंकि गाइज आज मैं इस वीडियो में ये लोगो कैसे बनाते हैं फुल डिटेल बताऊंगा। तो गाइज अगर आप मेरे को ही देख लो, मैंने भी अपना लोगो यही लगा रखा है जो कि गाइज मैंने खुद ने बनाया है। आपको भी लोगो बनाना है तो ये वीडियो को एंड तक देख लेना। लेकिन गाइज एक बात रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, वीडियो को प्लीज जरा सा भी स्किप मत करना, वरना आपको एक एक डिटेल समझ में नहीं आने वाली है। गाइज आप मेरे को एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर दो इतनी सी मेहनत के लिए, गाइज थोड़ा सा मोटिवेट हो जाऊं आपके लिए डेली वीडियो ला सकूं। तो गाइज प्लीज एक सब्सक्राइब और एक लाइक कर देना। तो चलिए अभी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले गाइज अपने मोबाइल में आपको पिक्सल लैब ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा, क्योंकि गाइज उसी से आपको लोगो बना सकते हो। पिक्सल लैब ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पर टैक्स वाले ऑप्शन में आ जाना, और गाइज आपको अपने हिसाब से जो आपको नाम रखना है अपने चैनल का, वो टैक्स यहाँ पर डाल देना है। जैसे गाइज मेरा चैनल का नाम है M500YT। जैसे गाइज आप देखो यहाँ पर फॉन्ट भी आपके हिसाब से लगा सकते हो, लेकिन मेरी मानना तो ये वाला फॉन्ट लगा लेना जो मैंने लगाया है। तो गाइज नाम लिखने के बाद आपको यहाँ पर करना है कलर में। तो गाइज कलर में आने के बाद आपको नीचे आना है, और आपको जितना पहले जो अक्षर होगा ना आपके नाम का, वहाँ पर आपको रेड कलर कर देना है। और गाइज बस इतना ही काम होता है। बस इतने के बाद आपको स्ट्रोक वाले ऑप्शन में आना है, और स्ट्रोक वाले ऑप्शन को ऑन कर देना है, और कलर जो होना चाहिए ब्लैक वाला। तो गाइज अब मैं लिख रहा हूँ नीचे गेमर नाम, क्योंकि गाइज M500 Gamer मेरा चैनल का नाम है। तो गाइज गेमर लिखना है आपको बड़े अक्षरों के अंदर। गाइज फॉन्ट सेलेक्ट करने के बाद आपको अपना है कलर वाले ऑप्शन के ऊपर, और गाइज यहाँ पर आपको कलर करना है। पहला अक्षर आपका रेड होना चाहिए, और लास्ट के दो अक्षर भी आपके रेड होना चाहिए, और गाइज बीच वाले जो बचते हैं ना उनको आप ब्लैक कर देना फुल ब्लैक। तो गाइज नाम वाम लिखने के बाद यहाँ पर प्लस के आइकन पर टैप करना है, और गाइज यहाँ पर आपको शेप लेकर आ जानी है, और गाइज इसका कलर ब्लैक कर लेना। शेप को ब्लैक करने के बाद आपको नाम के बराबर गाइज इसको कर लेना है, थोड़ा बहुत छोटा कर लेना नाम से। गाइज आपको एक ऐसी और शेप लेनी है, और गाइज उसका भी कलर ब्लैक कर देना है। ये गाइज आपका जो मेन चैनल का नाम होगा उसके ऊपर लाकर रख देना है। अब आपको लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, और गाइज लेयर पे जाने के बाद आपको ये दोनों जो ब्लैक है गाइज इनको एकदम नीचे लेकर आ जाना है। तो गाइज लगभग 80% काम अपना पूरा हो चुका है, यानी कि गाइज नाम लिखना काफी जरूरी था। तो गाइज ये नाम हो गया है अपना। वापस से लेयर वाले ऑप्शन पर जाना है, और गाइज सभी को टिक करने के बाद गाइज यहाँ पर राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना, और गाइज ये सारा नाम एक में आ जाएगा। तो गाइज वापस से लेयर वाले ऑप्शन पर जाना है, और गाइज इस नाम को जो आपको हाइड कर देना है, और गाइज अभी जाकर अपनी फोटो को लेकर आना है। गाइज ये सारी की सारी फोटो आपको डिस्क्रिप्शन में जाकर गाइज आपको लिंक मिलेगी, वहां पर जाकर तीनों फोटो को डाउनलोड कर लेना। गाइज तीनों फोटो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो गाइज सबसे पहले बड़ी वाली गाइज फोटो को ऐड कर लेना है, फिर गाइज ये छोटी वाली को भी ऐड कर लेना है। गाइज इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है, फिर गाइज आपको जो गाइज ये बंदा है इसको भी ऐड कर लेना है, इसको भी छोटा बड़ा रख सकते हो अपनी मर्जी से। अभी लेयर वाले ऑप्शन पर आकर जो गाइज आपका जो नाम हमने हाइड करा था गाइज इसको अनहाइड करके सबसे ऊपर वाली लेयर में लेकर आ जाना है। तो अभी आपको नाम को भी गाइज एडजस्ट कर लो, और गाइज ये हमने जो गाइज छोटा बड़ा एडजस्ट कर लिया, और अभी गाइज जाकर अपना जो लोगो है फुल तैयार हो चुका है। तो अभी इसे सेव करने के लिए 3 डॉट पर क्लिक करना है, यहाँ पर एक्सपोर्ट इमेज पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर नीचे नीचे सेव टू गैलरी का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर सेव कर लेना है। तो गाइज अपना लोगो बनकर तैयार हो गया, और गाइज अभी सेव भी कर लिया है। तो गाइज गैलरी में जाकर देखते तो गाइज ये रहा अपना लोगो, गाइज क्या ही क्वालिटी आ रही है। तो गाइज बाद में भी बता दो गाइज, इस तीनों फोटो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर जाकर डाउनलोड कर लो। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।